भाई साहब, तो आज तुझे भगाऊंगा मैं सड़कों पे। क्यों भाई? थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन भगाएगी? फादर के लिए हुई गाड़ी है, काफी दिनों से खड़ी है घर पे, और आज मेरा मन हो गया पता नहीं क्यों RX 135 को भगाने का। तो अभी इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से। बहुत गंदी हो रही यार, पता नहीं स्टार्ट होगी कि नहीं, ट्राई करते हैं। फेवरेट गाड़ी है भाई अपनी। जड़ लग गया, अंदर पानी भर गया बारिश का, क्या है पता नहीं। आज गियर की गाड़ी है ये, 99 में ली थी हमने जब मैं फर्स्ट क्लास में था। आज देखो, आज भी मैं इस पे बैठा हूँ और थर्ड जनरेशन भी तैयार हो रही है। इसका मैं हॉर्स पावर आपको बता देता हूँ, 14 हॉर्स पावर है। 1990 से गाड़ी इंडिया मार्केट में है और आज भी ये चल रही है। आज भी इसके बहुत सारे लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं। कब ली थी ये गाड़ी? 2000 में। सन 2000? 19 साल हो गए। मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में था। यस, चौक देना पड़ेगा, ये तक पेट्रोल जाएगा नहीं। होगी महीने बाद ऑन की है भाई गाड़ी। हवा भर दो भाई इसमें। कैमरा पहले से ही है, GoPro है। लूना आता हूँ मैं थोड़ी देर से। थोड़ी सी मुझे टेंशन भी लग रही है क्योंकि एक तो ये पुरानी गाड़ी है और ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा कमजोर है। गाड़ी में थोड़ा बहुत काम तो करवाना पड़ेगा। बंद हो गई। पर मैं जैसी किक मार रहा हूँ स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली मेरे फादर ने जब ये गाड़ी ली थी तब मैं शायद फर्स्ट क्लास में था और हम लोग थे आसाम में। इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड देता हूँ मैं आपको। आज भी इतना पसंद करते हैं लोग, कभी कभी मैं सड़क पर जा रहा होता हूँ और लोग मेरे को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर मेरा नंबर ले लो, अगर कभी आपको ये गाड़ी किसी को बेचनी हो तो मुझे फोन कर देना। ऐसा कभी कभी अनजान लोग मिल जाते हैं सड़क पे, सिग्नल्स पे, और बोलते हैं कि यार मेरे को ये गाड़ी चाहिए, आपका कभी भी बेचने का मूड हो फ़ोन कर देना मुझे, नंबर दे के जाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे RX 135 5 स्पीड आसाम का नंबर है क्योंकि हमारा आर्मी एयरफोर्स का बैकग्राउंड रहा है भाई, तो पूरे इंडिया में घूमना बना है। गाड़ी की लाइफ वैसे निकल चुकी है, 20 साल अराउंड हो गए हैं इस गाड़ी को, लेकिन राइड करने में जो मज़ा आता है ना बॉस। बाइक राइड में सच में बहुत मजा आता है, लेकिन उसके लिए बाइक भी आपके पास इस तरीके की होनी चाहिए। फिर बंद हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा यार जब इतने दिन से मशीन बंद है, 20 साल पुरानी मशीन है। रेडी टू रोल। इंडोनेशिया और इंडिया के लोग इस गाड़ी को RX किंग के नाम से पहचानते हैं, RX किंग करके बुलाते हैं। ये सच में एक किंग गाड़ी है जो आज भी, मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने ट्यूशन जाता था, तो भाई वो ट्यूशन में जो मेरे टीचर थे उनके बेटे ने मेरे को बोला ये RX कौन लेके आता है, मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, अगर आप 50,000 रुपये भी मैं दे सकता हूँ आपको। हालांकि इस मशीन की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं होती है जल्दी से, तो लोग बोलते हैं कि भाई जितना पैसा मांगना है मांगो, हमें ये दो, क्योंकि इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन करने के बाद यार ये किसी राइडिंग ऑफ रोड से कम नहीं है यार।
फादर ने आज तक संभाल के रखी है। और जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को बेच डालो, ऐसा कई बार मौका लगा कि नहीं, लेकिन जो फादर के टाइम की गाड़ियां होती है उन गाड़ियों को नहीं बेचना चाहिए कभी भी लाइफ में, क्योंकि उनमें यादें होती हैं। इसमें मेरा बचपन गया है। इस गाड़ी को हम मतलब मैं जब फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में था, इस गाड़ी पे मैं जाता था। और आज भी शादी हो चुकी है, थर्ड जनरेशन आ चुकी है, उसके बाद भी मैं इस गाड़ी के ऊपर ट्रैवल करता हूँ। और मेरे बच्चे भी शायद इस गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि इसका इंजन है ही इतना और हमने इस गाड़ी को संभाल के बहुत रखा है। इसमें दो वेरिएंट आते थे, RX 100 और RX 135। ये 135 है, 5 स्पीड, 4 स्पीड भी आती है, 30 का एवरेज कम से कम ये गाड़ी दे रही है। अभी अगर हाईवे पे बहुत स्पीड में भगाऊंगा तो 28 तो दे ही देगी। लेकर 2005 तक इसका प्रोडक्शन चला है। 10.5 लीटर की इसकी फ्यूलिंग कैपेसिटी है, 2 स्ट्रोक इंजन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 14 bhp की इसकी पावर है, हॉर्स पावर 5 स्पीड में आती है, उससे कम हॉर्स पावर है जो 4 स्पीड है। अभी चलते हैं, आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ इस गाड़ी के। ये देखो, ये गाड़ी वो है जो जैसे 4 व्हीलर्स में इनोवा है, वैसी 2 व्हीलर के अंदर RX 135, जिसको लोग अभी भी कमेंट करते हैं, जिसको लोग अभी भी वीडियो में सर्च करते हैं कि ये गाड़ी कंटिन्यू हो जाए तो हम इस गाड़ी को लेना चाहते हैं। आज भी ऐसे लवर्स हैं इस गाड़ी के। मैं इस गाड़ी को ज्यादा फास्ट ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास एक हाई पावर गाड़ी है, अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है। जितनी पावर मेरे को इस गाड़ी में मिल रही है, जो पिकअप मिल रहा है, उस हिसाब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद को भी नुकसान ना पहुंचाऊं और सामने किसी को भी नुकसान ना पहुंचाऊं। एक राइडर की असली पहचान होती है वो। शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, शायद अभी बंद है, इसका एक टाइमिंग होता है। मुझे जितना याद है कि ये गाड़ी रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा कोई खर्चा नहीं निकाला। कैसे हो आप लोग, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त अंकुश कुमार बेबी।